जिला बिलासपुर में वेटरन पूर्व सैनिक यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार के लिए रोष जताया। बता दें कि बैठक में केंद्र सरकार से वन रैंक वन पेंशन विसंगतियों को दूर करने की मांग की बात की गई। साथ ही उपाध्यक्ष कैप्टन बालक राम शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन विसंगतियां दूर नहीं की तो आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्व सैनिक वोट की चोट करेगा। आज जो है बिलासपुर के बीच में जो है पूरे प्रदेश की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, इसकी अध्यक्षता हमारे वाइस चेयरमैन जो है कैप्टन जगदीश वर्मा जी कर रहे हैं, जो कि सरका घाट से हैं। और आज जो है हमारा मुख्य एजेंडा यह है कि हमारी जो वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां हैं, उन मांगों को लेकर के जो है आज हमारी रणनीति बनाई जा रही है। और यही प्रोग्राम जो है रेवाड़ी में भी हो रहा है और जम्मू कठुआ में भी हो रहा है, परंतु हमारी सरकार हमारी मांगों को बिल्कुल नहीं मान रही है और ना ही किसी मीडिया चैनल के द्वारा दिखाई जा रही है। परंतु अगर सरकार का ये 8 महीने से ये डुल मिल रवैया जो है बहुत संतोषजनक नहीं है, और हम इसे सैनिक जो है पूरे प्रदेश का सैनिक जो है और पूरे भारत का सैनिक नाराज हो चुका है। और आने वाले समय के लिए अगर सरकार ने हमारे प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी मांगे हमारी नहीं मानी गई, तो हम जो है आने वाले समय के बीच में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसके बीच में उसका बहिष्कार किया जाएगा और डंके की चोट के ऊपर बोर्ड की चोट की जाएगी और सरकार को एहसास कराया जाएगा कि यानी जो है सैनिकों के साथ जो है इस प्रकार से भेदभाव की राजनीति क्यों की जा रही है। इसके लिए जो है हम दोबारा आगाह करना चाहते हैं सरकार को, केंद्र सरकार को और रक्षा मंत्रालय को ये बताना चाहते हैं कि यानी जो है सैनिकों की मांगों को जरूर सुने और इनकी मांगों जल्द पूरा करें, नहीं तो अन्यथा लोकसभा चुनाव के बीच में जो है हम इसका प्रोग्राम का करारा जवाब दिया जाएगा और आने वाले समय में अगली रणनीति तैयार की जाती है। बहरहाल अब देखना ही होगा कि सरकार पूर्व सैनिकों की मांग को कब तक पूरा करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।